गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हमारी क्लास 8 में तीसरा चैप्टर है घनमूल। आज की इस क्लास में हम जानेंगे किस तरह से हम संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा घनमूल निकालने का। पहला तरीका है हमारा गुणनखंड विधि, यानी कि हम गुणनखंड विधि से किस तरह से घनमूल निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका मैं बताऊंगा हम अनुमानित विधि से किस तरह से घनमूल निकाल सकते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना आ जाएगा और इसके साथ साथ आपको अनुमानित विधि से भी घनमूल निकालना आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम गुणनखंड विधि से और अनुमानित विधि से संख्याओं के घनमूल निकाल सकते हैं। घनमूल पिछले वीडियो में हमने सीखा कि किसी संख्या ए का 3 बार स्वयं से गुणा किया जाए तो उसे हम ए के घन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और इससे प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब कहलाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं घन की विपरीत संक्रिया घनमूल यानी क्यूब रूट के बारे में। आपको याद होगा कि 3 की तीसरी घात बराबर 27 है। इसी को हम कह सकते हैं कि 27 का घनमूल 3 है और इसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। ध्यान रहे यह चिन्ह घनमूल को दर्शाता है। इसी तरह अगर हम कहें कि 4 की तीसरी घात बराबर 64 है, इसी को अलग तरीके से हम कह सकते हैं कि 64 का घनमूल 4 है। तो बताइए अगर 5 की तीसरी घात बराबर 125 है तो 125 का घनमूल क्या होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, 125 का घनमूल होगा 5। इसी प्रकार आप कुछ और पूर्ण घन और उनके घनमूल यहाँ देख सकते हैं। वीडियो रोककर इन पर विचार करें। हम सभी संख्याओं के घनमूल याद नहीं कर सकते। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम किसी विधि के उपयोग से घनमूल निकालना सीख लें। चलिए ऐसे ही कुछ विधियों की बात करते हैं। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के उपयोग से घनमूल कैसे प्राप्त करते हैं यह सीखेंगे। चलिए 1728 का घनमूल प्राप्त करें। इसके लिए हम 1728 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। इस विधि में हम संख्या को अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं जब तक कि हमें कोई अभाज्य संख्या या एक प्राप्त न हो। जैसे यहाँ हम 1728 को क्रमशः 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3 और 3 से भाग देंगे। ये सभी 1728 के अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स है। अब हम 1728 को प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में इस प्रकार व्यक्त करेंगे जिसे हम 2 की तीसरी घात गुणा 2 की तीसरी घात गुणा 3 की तीसरी घात इस प्रकार लिख सकते हैं। घातांकों के नियमों में एक नियम यह भी है कि a की घात m गुणा b की घात m बराबर a गुणा b की घात m। इस नियम के उपयोग से हम गुणनखंडों के इस गुणन को 2 गुणा 2 गुणा 3 की घात 3 लिख सकते हैं, जिसका अर्थ होगा 12 की तीसरी घात, यानी कि 12 की तीसरी घात बराबर 1728 है। या हम कह सकते हैं कि 1728 का घनमूल 12 है। यहाँ हमने 1728 का घनमूल 12 प्राप्त कर लिया है। है ना यह एक मजेदार विधि? क्या आप एक और मजेदार विधि सीखना चाहेंगे? इस विधि से आप बिना कागज या पेन के किसी भी पूर्ण घन का घनमूल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसे जानें। मान लीजिए आपको 32768 का घनमूल प्राप्त करना है। पहले चरण में हम दी संख्या में दाएं से 3-3 अंकों के समूह बनाते हैं। जैसे यहाँ हम 768 का एक समूह बनाएंगे और 32 का दूसरा समूह बनाएंगे। दूसरा चरण, अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले वीडियो में संख्या और उसके घन के अंतिम अंक के साथ एक संबंध दर्शाया था। चलिए इसका पुनः अवलोकन करें। अगर संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो ऐसी संख्या के घन के इकाई का अंक
संख्या की इकाई के अंक के समान ही होता है। अगर संख्या की इकाई का अंक 2 हो तो उसके घन के इकाई का अंक 8 होता है, और अगर संख्या की इकाई का अंक 8 हो तो उसके घन के इकाई का अंक 2 होता है। इसी तरह अगर संख्या की इकाई का अंक 3 हो तो उसके घन की इकाई का अंक 7 होता है, और अगर संख्या की इकाई का अंक 7 हो तो उसके घन की इकाई का अंक 3 होता है। तो बताइए, यहाँ संख्या का अंतिम अंक 8 है तो इसके घनमूल की इकाई का अंक क्या होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, घनमूल के इकाई का अंक 2 होगा। इसी तरह हम दी गई पूर्ण घन संख्या के अंतिम अंक से घनमूल के अंतिम अंक का पता लगाते हैं। अब तीसरे और अंतिम चरण में हम अंकों का दूसरा समूह लेते हैं। इससे संख्या 32 प्राप्त होती है। फिर हम पता करते हैं कि 32 की निकटतम लेकिन इससे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है। अगर हम देखें तो 32 3 की तीसरी घात यानी 27 और 4 की तीसरी घात यानी 64 के बीच में है। इसलिए 32 की निकटतम लेकिन इससे छोटी पूर्ण घन संख्या है 27। फिर हम इस पूर्ण घन संख्या 27 का घनमूल 3 दी गई संख्या के घनमूल के दहाई पर लिखेंगे। इस तरह प्राप्त संख्या 32 32768 इस संख्या का घनमूल है। अगर इसे सत्यापित करना होगा तो यह आप कैसे करेंगे? आसान है, चूंकि 32768 का घनमूल है, इसके विपरीत कथन 32768 32 का घन है यह सत्य होगा, यानी कि 32 की तीसरी घात बराबर 32768 होगा, तो प्राप्त परिणाम सही है। हम देखते हैं कि 32 गुणा 32 गुणा 32 बराबर 32768, इसलिए प्राप्त परिणाम सही है। ध्यान रहे, यह एक अनुमानित विधि है जो सिर्फ पूर्ण घन के साथ ही काम करेगी। तो आज हमने सीखा घनमूल।